हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, और कोशिका विभाजन के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतरावस्था के कौन कौन से अवस्था होती है, जिसमें हमने मेनली पढ़ा था जी1 अवस्था, एस अवस्था, जी2 अवस्था, ये हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था कि अंतरावस्था कोशिका विभाजन के दो भाग पढ़े थे। इसमें से पहला भाग था अंतरावस्था, जिसको तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं, इंटरफेस को तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं, इंटरफेस को तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें हमने तीन भाग पढ़े थे, जीवन अवस्था, जीवन फेस, और दूसरा भाग पढ़ा था एस अवस्था, एस फेस, और तीसरा भाग पढ़ा था जी2 अवस्था। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे, तो उस लिंक में जाकर आप इन अवस्थाओं के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब इस अंतरावस्था की खोज किसने की थी? इस अंतरावस्था की खोज किसने की? तो अगर आपसे पूछे कि जी अंतरावस्था की खोज किसने की, तो दो वैज्ञानिक है, हार्वर्ड और पेले ने अंतरावस्था की खोज की थी। तो आपसे पूछे कि अंतरावस्था की खोज किसने की, तो हार्वर्ड और पेले ने की। आपसे पूछे कि अंतरावस्था में कौन कौन से फेज होते हैं, तो जी1 फेज, एस फेज और जी2 फेज होते हैं। अब जीवन फेज अवस्था में एक अवस्था होती है, जी2 अवस्था होती है। जी2 अवस्था में क्या होता है? कोई काम नहीं होता है, यानी आराम की अवस्था होती है। तो जीरो फेज क्या है? आराम की अवस्था। इसमें कोई काम नहीं होता, कोशिका विभाजन का कोई भी काम नहीं होता है। अब जब शुरू में अच्छे सूक्ष्मदर्शी उपलब्ध नहीं थे, माइक्रोस्कोप उपलब्ध नहीं थे, तब इस अंतरावस्था में कोई हलचल नहीं दिखी। इसे आराम की अवस्था भी कहा जाता है, आराम की अवस्था भी कहा जाता था। तो शुरू में क्या हो गया? शुरू में अच्छे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप उपलब्ध नहीं थे। तो वैज्ञानिकों ने जब कोशिका को देखा कि कोशिका विभाजन हो रही है, तो उनको कोई भी हलचल अंतरावस्था में नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने माना कि इस अवस्था में कोशिका विभाजन का कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल दिया? आराम की अवस्था कह दिया। लेकिन बाद में पता पड़ा कि इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, कोशिका में DNA संश्लेषण होता है, कोशिका के अंग दुगने हो जाते हैं, तारकाएँ दुगने हो जाते हैं, और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, RNA का संश्लेषण होता है। तो ये इसके बाद में इसको सभी उपापचयी क्रियाएं इसी में होती है, सभी उपापचयी क्रियाएं इसी अवस्था में होती हैं। उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती है? जिसमें जिसमें भोजन का पाचन होता है, और क्या होता है? भोजन के पाचन के साथ साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सभी क्रियाएं इसी अवस्था में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका विभाजन क्यों होता है। जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कोशिका विभाजन क्यों होता है, ये हम देखेंगे। कोशिका विभाजन क्यों होता है, इसके दो थ्योरी है, दो सिद्धांत है। कोशिका विभाजन के कारण बताने के लिए दो सिद्धांत है। तो कोशिका विभाजन क्यों होता है,
इसको बताने के लिए दो सिद्धांत है, एक है सतह आयतन सिद्धांत, सतह आयतन सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है कर्ण प्लाज्मा सिद्धांत, कर्ण प्लाज्मा सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सतह आयतन सिद्धांत सरफेस वॉल्यूम प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये देखिए टेढ़ी लाइन चली जाती है कभी कभी लिखने में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सतह आयतन सिद्धांत में क्या होता है कि आपकी जो कोशिका होती है वो किससे घिरी हुई रहती है, ये तो रहती है कोशिका। आपको अगर कोशिका की डिटेल पढ़नी है तो मेरी नाइन्थ क्लास की कोशिका की जो वीडियोज है वो देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली, और ये होता है केंद्र। यहाँ पे क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है। अब कोशिका द्रव्य का आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ से क्या होता है किसी भी पदार्थों का आवागमन होता है, आना और जाना लगा रहता है। अब कोशिका द्रव्य का आयतन मान लो ज़्यादा बढ़ गया और सतह का आयतन, सतह उतनी नहीं बढ़ी, सतह के आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य का आयतन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, कोशिका द्रव्य ज़्यादा हो जाएगा आयतन तो सतह के ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, क्योंकि सतह का आयतन उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में कोशिका द्रव्य बढ़ रहा है। तो क्या होगा, सरफेस सतह के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो सतह क्या होगा, सतह के ऊपर दबाव पड़ेगा तो कोशिका का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो क्या होगा कि कोशिका द्रव्य क्या बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो कोशिका फट भी सकती है। तो इस कार्य से बचने के लिए क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। एक बार फिर से समझाता हूँ, कोशिका में क्या होता है केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य का कुछ आयतन होता है, सतह का कुछ आयतन होता है, कोशिका द्रव्य और सतह का आयतन कुछ अनुपात में होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है वो सतह के अनुपात, सतह का आयतन के अनुपात में ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा पदार्थों का आवागमन होगा, लेकिन सतह का आयतन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है तो जो पदार्थों का आवागमन होगा वो तेजी से होने लग जाएगा और सतह का उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और कोशिका का भी उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो क्या होगा कोशिका विभाजित होगी। इसी कारण से ताकि जो कोशिका द्रव्य का आयतन है वो सतह के आयतन की तुलना में एक निश्चित अनुपात में रहे। अब दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है कर्ण प्लाज्मा थ्योरी। कर्ण प्लाज्मा थ्योरी क्या कहती है कि जैसे एक किसी भी जिले की बात करें या किसी भी एरिए की बात करें तो उसमें क्या होती है एक गवर्निंग बॉडी होती है जो क्या करती है उस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है, ताकि वहाँ पे ना तो कोई गलत काम हो, चोरी चकारी ना हो, या फिर कहते हैं कि उस एरिया में जितने भी काम होते हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी उस सेंट्रल बॉडी की होती है। तो उस जैसे मैं कोशिका की बात करूँ तो कोशिका में सेंट्रल बॉडी कौन सी होती है, केंद्रक होती है। केंद्रक क्या करता है, इसके चारों ओर पदार्थों को कंट्रोल करता है। अब किसी एरिया में कोई बॉडी है सरकारी का जो बॉडी है वो क्या करती है पूरे एरिया को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस सरकार को उस एरिया में जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाएंगी, तो क्या होगा उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सेम गवर्नमेंट फिर अलग अलग एरिया को अलग अलग गवर्नमेंट संभालेगी तो उसको संभालना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से कोशिका में क्या होता है केंद्रक होता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर कोशिका द्रव्य के का आयतन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा केंद्रक पूरे कोशिका द्रव्य पे नियंत्रण नहीं रख पाएगा तो क्या होगा कि कोई भी कुछ भी करेगा, कोई किसी को मारकाट करेगा, चोरी चकारी करेगा, तो वो चीज़ें होने लग जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस समस्या को सुलझाने के लिए कोशिका विभाजित होकर दो भागों में डिवाइड कर लेती है। तो कर्ण प्लास सिद्धांत में एक इंडेक्स आता है, एक गुणांक आता है जिसको बोलते हैं
तो क्या बोलते हैं के आई इंडेक्स, केंद्रक द्रव्य गुणांक, या इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्म इंडेक्स। इंडेक्स ये क्या होता है, ये होता है केंद्रक का आयतन, केंद्रक का आयतन बटे में कोशिका द्रव्य का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन। तो केंद्रक द्रव्य गुणांक क्या होता है, केंद्रक का आयतन बटा हुआ कोशिका द्रव्य का आयतन। तो अगर मान लो कि कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो के आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब जब कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है केंद्रक के आयतन की तुलना में। तो के आई कम होगा, कोशिका द्रव्य का आयतन बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, केंद्रक का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा कोशिका द्रव्य पे, तो क्या होगा, कोशिका विभाजित होगी, कोशिका विभाजित होगी। लेकिन के आई की वैल्यू अगर ज्यादा है, के आई की वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्या होगा, केंद्र का आयतन कोशिका द्रव्य का आयतन दोनों का आयतन एक दूसरे से बिल्कुल बराबर रहेगा, या केंद्र का आयतन ज्यादा रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, कोशिका विभाजित नहीं होगी, क्योंकि केंद्र पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है उसके एरिया की, तो वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर पा रही है, तो इसके कारण क्या होगा, कोशिका विभाजित नहीं होगी, कोशिका विभाजित नहीं होगी। तो जब भी कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा तो के आई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो के आई की आई वैल्यू कम होने से कोशिका विभाजित होगी, क्योंकि कोशिका द्रव्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके ऊपर जो केंद्रक का है कंट्रोल नहीं रह पाएगा, जिसके कारण कोशिका विभाजित होगी। तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य गुणांक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोशिका विभाजन होने के कारण बताने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, कोशिका विभाजित क्यों होती है। पहला सिद्धांत तथा आयतन सिद्धांत, जिसमें यह बताया गया कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य होता है, जिसका सतह से बाहरी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण सतह की तुलना में कोशिका द्रव्य का आयतन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण सतह के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण कोशिका को विभाजित होना पड़ता है। दूसरा सिद्धांत है कर्ण प्लाज्मा सिद्धांत, जिसमें क्या दिया गया कि कोशिका में जितनी भी कोशिका द्रव्य होता है उसका जो कंट्रोल करता है वो केंद्रक करता है। अब कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, केंद्रक का नियंत्रण खोने लग जाएगा, केंद्रक पूरे कोशिका द्रव्य पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, कोशिका फट भी सकती है, या कोशिका के पदार्थ तो अपने अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। इसी तरीके से कोशिका विभाजित होना जरूरी होती है। इसमें गुणांक होता है केंद्रक द्रव्य गुणांक, जो होता है केंद्रक का आयतन बटा पर कोशिका द्रव्य का आयतन। अब कोशिका द्रव्य का आयतन अगर ज़्यादा होगा तो के आई की वैल्यू कम होगी, तो कोशिका विभाजित होगी, अगर के आई की वैल्यू ज़्यादा है तो कोशिका विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए 1 2 3, अब आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।